तो बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको बताना है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। पिछले टॉपिक में आप पढ़े थे पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। और दृष्टिकारी का यूज क्या होता है आपको मालूम होगा कि दृष्टिकारी के द्वारा क्या होता है, एसी धारा को किस में चेंज किया जाता है, डीसी धारा में चेंज किया जाता है। तो पिछले टॉपिक में आप देखे थे जब एसी करंट को डीसी में चेंज करते थे, केवल जो हमें आउटपुट पे मिलता था वो क्या मिलता था, एसी धारा के पहले अर्धचक्र के दौरान जो पार्ट था वही पार्ट क्या होता था, आउटपुट पे मिलता था। और दूसरे अर्धचक्र दौरान जो नेगेटिव पार्ट आता था वो आउटपुट पे नहीं प्राप्त होता था। क्यों नहीं प्राप्त होता था, क्योंकि उसमें क्या होता था, एक डायोड लगा था। जब एक डायोड लगा था, एक बार वो फॉरवर्ड होता था, एक बार रिवर्स। जब फॉरवर्ड होता था तो हमें आउटपुट पर लोड प्रतिरोध पर धारा मिलती थी, और जब वो रिवर्स बायस हो जाता था हमें लोड प्रतिरोध RL पर क्या होता था, करंट यानी आउटपुट यानी धारा नहीं प्राप्त होते थे। इस प्रकार द्वितीय अर्धचक्र के दौरान धारा को आउटपुट को प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई वो क्या हो गई, आपकी फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का यूज किया गया। इसमें देखिए क्या दिया गया है, ये आपका प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है, ये ट्रांसफार्मर होता है, निवेशी एक कुंडली लगी होती है, ये प्राइमरी होता है, ये क्या होती है, सेकेंडरी होता है। यानी ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियाँ होती है, क्या होती है, प्राइमरी, और दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी। P1 और P2 का संपर्क क्या होता है, निवेशी वोल्टेज से किया गया है, यानी मेन से किया जाता है, AC धारा से किया गया है। और S1 और S2 यानी सेकेंडरी द्वितीय कुंडली को क्या होता है, एक PN जंक्शन डायोड D1 और दूसरा PN जंक्शन डायोड D2 से संपर्क किया गया है। फिर क्या होता है, इन दोनों का संपर्क निर्गत वोल्टेज से कर दिया जाता है, यानी हमें क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट प्राप्त होता है। यहाँ से हम क्या लेते हैं, इनपुट लेते थे। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमें एसी धारा दी जाती है और आउटपुट पे हमें क्या मिलती है, डीसी धारा मिलती है। एसी का ग्राफ ये होता है और डीसी का ग्राफ ये होता है, आपको मालूम होता है। एसी में क्या होता है, दो अर्धचक्र होता है, पहला अर्धचक्र होता है, दूसरा अर्धचक्र होता है, और डीसी धारा में केवल एक अर्धचक्र होता है, क्लियर। अब देखिए क्या होता है, जब यहाँ से हम एसी वोल्टेज लेते हैं, सबसे पहले क्या होता है, पहला अर्धचक्र पॉजिटिव होता है, दूसरा अर्धचक्र क्या होता है, नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, इस प्रकार करंट क्या होती है, आगे बढ़ती चली जाती है। तो आप देख रहे हैं जब यहाँ से आपको करंट सप्लाई की जाती है एसी मेन से, यहाँ से मेन से प्रत्यावर्ती एसी वोल्टेज से एसी वोल्टेज जब दिया जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में आगे बढ़ता है। जब इसको पॉजिटिव में दिया आगे बढ़ती है, यहाँ पे करंट आती है, तो सबसे पहले आप देखिए जब ये पॉजिटिव पार्ट मिलता है, ये वाला S1 क्या होता है, जब पॉजिटिव होता है ये जो जंक्शन डायोड D1 होता है ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, और ये क्या होता है, ये रिवर्स बायस में हो जाता है। जब ये रिवर्स बायस में हो जाता है ये धारा को अनुमति प्रदान कर देता है कि आगे फ्लो हो, ये धारा की अनुमति प्रदान नहीं करता है। तब क्या होता है, तब भी हमें आउटपुट पे इस डायोड के द्वारा करंट आती है और हमें डायोड इस पे करंट हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। लेकिन क्या होता है, जब इसके द्वारा क्या होती है, करंट नहीं फ्लो होती। जब यही करंट क्या होती है, इस अर्धचक्र में आती है, तो क्या होता है, आप देखते हैं ये वाला, ये जब भाग आता है तो ये डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, ये क्या होता है, रिवर्स बायस में। ये धारा को नहीं अनुमत करता, प्रदान करता है प्रवाहित होने के लिए, ये धारा को अनुमत प्रदान करता है कि प्रवाहित हो। इस प्रकार हम देखते हैं तब भी क्या होता है, आउटपुट पे हमें करंट प्राप्त होती है। इस प्रकार क्या होता है, ये एक पहले अर्धचक्र के दौरान ये फॉरवर्ड बायस होता है, दूसरे अर्धचक्र के दौरान ये फॉरवर्ड बायस होता है, तब ये रिवर्स हो जाता है, जब ये रिवर्स होता है तो ये फॉरवर्ड होता है, जब ये फॉरवर्ड होता है तो ये रिवर्स होता है। हम देखते हैं एसी धारा के दोनों अर्धचक्रों के दौरान हम देखते हैं कि इस निर्गत वोल्टेज पे आउटपुट हमें धारा मिलती रहती है, एक बार इससे मिलती है, एक बार इससे मिलती है। यानी क्या हुआ, ये धारा ये शुद्ध रूप में हमें क्या होती है, डीसी प्राप्त होती चली जाती है। पिछले ग्राफ में आप देखे थे एक गैप खाली हो जाता था, दूसरा आता था, फिर खाली हो जाता था, यानी इस पर करंट फ्लो होती थी और इस पर करंट न फ्लो होती। लेकिन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में एक ऐसी व्यवस्था डबल डायोड का किया गया जिसके द्वारा क्या होती, इस अर्धचक्र के दौरान भी हमें करंट यहाँ पर मिलती है और इस अर्धचक्र के दौरान भी हमें यहाँ पे करंट मिलती है। इस प्रकार दोनों अर्धचक्रों के द्वारा हमें क्या होता है, आउटपुट पे करंट मिलती है और हमें क्या हो जाती है, शुद्ध एसी।
प्राप्त होती जाती है। ये देखिए आपके शुद्ध एसी की, शुद्ध डीसी की क्या है ग्राफ बनाएगी, डीसी धारा की ग्राफ है और ये आपकी क्या है एसी धारा की ग्राफ है। क्लियर। इस प्रकार क्या होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी का प्रयोग करके हम एसी करंट को इसमें चेंज कर लेते हैं, डीसी करंट में चेंज कर लेते हैं। क्लियर। थैंक यू।